जय हिंद दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ई श्रीधरन का नाम मेट्रो मैन के नाम से नहीं जानता हो। देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में मेट्रो मैन श्रीधरन ने अपना योगदान दिया है। डेडलाइन से पहले उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करके दिखाया है और अभी हाल ही में ये बीजेपी में शामिल हो गए। अब सीधी सी बात है, जब इतनी बड़ी शख्सियत का आदमी बीजेपी में शामिल होगा तो कई लोगों की जलना तो लाजमी सी बात है। लेकिन क्या होता है कि एक समझदार व्यक्ति से बहस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, और ऐसे में जब NDTV जैसे न्यूज़ चैनल का पत्रकार जाए इनके पास और इनसे आके फालतू की बहस करे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता है या क्या हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए एक आर्टिकल के थ्रू आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट से मैदान में है। चुनाव प्रचार के दौरान NDTV ने उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से लेकर केरल तक हर मुद्दे पर NDTV के प्रोपेगेंडे का दो टूक जवाब दिया। श्रीधरन ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल गया होता, ये लाजमी सी बात है। और हमने देखा है कि जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे को किस तरीके से टैकल किया। इससे ज़्यादा उनकी तारीफ़ करना मेरे बस की बात नहीं है, कुछ कह दूंगा तो कुछ कुछ बात हो जाएगी। अपने अनुभवों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। जब उन्होंने कोचीन शिपयार्ड में कामकाज संभाला था तब वहाँ 2 महीने में चीज़ों को बदल कर रख दिया था, साथ ही लोगों के रवैये में भी उसके साथ ही बदलाव आया था। NDTV ने उनसे बातचीत में दावा कर डाला कि जम्मू कश्मीर में महीनों इंटरनेट नहीं मिला और लोगों के पास संचार की कोई सुविधा नहीं थी। इस पर ई श्रीधरन ने कहा कि ये छोटे छोटे त्याग हैं जो देश के लिए सभी को करना पड़ता है। साथ ही पूछा, लेकिन इन सबको बीच में मीडिया क्या कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बीच में आकर मीडिया क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भाजपा विरोधी पार्टियों ने खरीद लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने NDTV के पत्रकार को राई का पहाड़ ना बनाने की सलाह देते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है और मीडिया आजकल यही कर रहा है। NDTV ने उनसे ये भी पूछ डाला कि क्या देश आज ज़्यादा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक नहीं हो रहा। इस पर कड़ा जवाब देते हुए ई श्रीधरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये थ्योरी उन लोगों की गढ़ी गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आगे कहते हैं वो कि अधिकतर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार लिया है और आप प्रोग्रेस देखिए। उन्होंने कहा कि जो लोग पीएम मोदी के विरोधी हैं वो कहीं कहीं से ढूंढ कर छोटी मोटी गलतियां निकालते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हाथ से निकल गया होता। उन्होंने आगे कहा कि वो राजनीति में आलोचनाओं के लिए तैयार हैं लेकिन जनता के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। श्रीधरन वैसे भी जो उनका वर्क एरिया है उस एरिया में वो अपने एथिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। लोगों को किस तरीके से काम करवाना है, उनसे किस तरह से लोगों से डील करना है, ये इसमें उनकी महारत हासिल है, इसीलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को समय से पहले ख़त्म भी करवा पाए। उन्होंने पूछा कि केरल में कम समय में बदलाव क्यों संभव नहीं हो सकता। साथ ही विश्वास जताया कि संभव है। केरल में भाजपा का मात्र एक विधायक होने की बात पर उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है और हर पार्टी इसी स्तर से शुरू होती है। उन्होंने त्रिपुरा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ तो एक भी विधायक नहीं था, फिर भाजपा ने सत्ता वहाँ पर कैसे पाई, लाजमी सी बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपका उदाहरण देते हुए कहा कि उनका तो कोई आधार ही नहीं था वहाँ, फिर भी आज वहाँ पे CM बन के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल और दो दो बार। भाई जनता को कुछ काम पसंद आया होगा तभी तो उन्होंने दोबारा चुना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे चुनाव में ही सत्ता पा ली थी। ई श्रीधरन ने कहा कि अब भाजपा का समय है और जनता LDF और UDF दोनों से ही तंग आ चुकी है। उन्होंने आशा जताई कि भाजपा इस बार केरल में सत्ता पाएगी। मेट्रोमैन ने NDTV से बात करते हुए सभी बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि वो लव जिहाद जैसे विवादित मुद्दों पर नहीं जाना चाहते लेकिन वो सपाट और पारदर्शी तरीक़ों से चीज़ों को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए और किसी को विरोधी नहीं बनाया जा सकता, उन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं किया जा सकता। ई श्रीधरन ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आकर मिलजुल कर कार्य करना होगा। लव जिहाद पर उन्होंने ये भी कहा कि पूरी स्थिति को समझना चाहिए और भाजपा नहीं होती तो पूरा राज्य ही हाथ से निकल गया होता। उन्होंने वादा किया कि वो पल्लक्कड़ को 2 वर्षों में सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र बना देंगे। अब मैं कोट करके उनके शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। पल्लक्कड़ में तो हमारे पास ठीक ठाक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक नहीं है। मात्र 6 महीनों में इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पानी की सप्लाई में समस्याएँ हैं, हमें इसका समाधान तेज़ी से निकालना पड़ेगा। इस शहर को स्वच्छ बनाना मात्र 2 महीने का काम है। मैं बिना समय गंवाए शहर का चेहरा बदल सकता हूँ। मेरे साथ कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति के से व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा। मैं एक व्यक्तिगत अपील भी लिख रहा हूँ जो जनता के दिल को छुएगी। NDTV ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि पीपल अपोजिंग मोदी आर फाइंडिंग स्मॉल एरर्स
दिस इज़ नॉट फेयर. इफ मोदी वॉजन द पी एम जम्मू कश्मीर वुड हैव गॉन फ्रॉम इंडिया. डोंट टेक अ स्मॉल थिंग एंड मेक इट इन टू अ माउंटेन. ई श्रीधरन. अब ये जो उनका वीडियो सामने आया है एनडीटीवी की तरफ से, मैं आपको इस वीडियो को ज़रा चला के बता दूँ जिससे कि आपको भी चीज़ समझ में आ सके. और शरद पवार अभी लाइव जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बातें निकल के सामने आती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर. सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो दिखा दूं क्योंकि इस वीडियो में ई श्रीधरन ने वाकई में काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं और दिमाग वाली बातें कही हैं. देखिए बेदिमाग लोगों को तो वैसे भी कुछ बातें समझ में आएंगी नहीं, पर ठीक है. भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से अलग बताने वाले ई श्रीधरन ने कहा कि एक सप्ताह में पर्सनल अपील सबके पास पहुँच जाएगी. और उनका सीधा कहना है, अगर आप समझते हैं कि मैं बदलाव कर सकता हूं तो मेरे लिए वोट कीजिए, वरना मुझे वोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ऐसा इन्होंने सीधे तौर पर पब्लिक से अपील करी है. और पब्लिक से अपील करने का उनका सही तरीका ही है कि भैया पब्लिक जो चाहती है पब्लिक वही कर. मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक को प्रेशराइज होना चाहिए या उनको किसी के दबाव में आके वोट करना चाहिए. अगर उनको लग रहा है कि हाँ मैं काम का आदमी हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को आगे ले जा सकता हूँ, मैं शहर की सूरत को बदल सकता हूँ, तो बिल्कुल आप मुझे वोट करिए, वरना मत कीजिए. सीधा सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई इफ या बट वाला सिरोल है ही नहीं. यह आप पर निर्भर करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको जिताना चाहते हैं. सबरीमाला मामले पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी संप्रदाय की भावनाओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए. नेशनल फिगर दैट एवरीबॉडी लुक्स अप टू. आई हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क यू मिस्टर श्रीधरन. डू यू सी इंडिया टुडे एज मच मोर पोलराइज्ड, as much more communalized than when you were growing up during your earlier days? Not at all. This theory is only by the people who don't like Modi government. But majority of people are accepting Modi, isn't it? See the way the country has progressed today. People are opposed to him, they all find out small errors here and there. That is not fair. इस तरह से ये एनडीटीवी का एक इंटरव्यू है जो कि सामने आया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दे दिया है, लेकिन सरकार से ऐसा नहीं किया जा सकता. ये सबरीमाला मामले में उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा के बीच महिलाओं को सबरीमाला मंदिर लेकर जाएं और फिर वापस लेकर आएं. उन्होंने कहा कि पूछा कि आखिर सरकार ने ऐसा किया ही क्यों. उन्होंने कहा कि सरकार भले इनकार करे लेकिन महिलाओं को अंदर लेकर वही गई और इसके सबूत भी, जिन्होंने रोका उन पर केस दर्ज किए गए. उन्होंने केरल सरकार पर सबरीमाला के श्रद्धालुओं की प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि सरकार जनता के विरोध में है. मतलब ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी हैं. और इन बातों को पॉइंट आउट करने के पीछे भी बहुत गहरे रीजन्स हैं. क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर ये चीज़ की एक शिकायत करते हैं कि भाई जो हमारे नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे सिचुएशन से डील करना है, गुंडागर्दी करके आगे आ जाते हैं. तो अगर ऐसे नेता हमारे सामने आ रहे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, समाज में अपना एक योगदान रखते हैं, अपनी एक छवि रखते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को आगे लेके आने में क्या समस्या है. उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो पहुँच गई होगी. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.